हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपका यहाँ पे PQRS मैं पढ़ा रहा हूँ आजकल किरण की बुक से। किरण बुक से हम लोग अभी तक PQRS पढ़ रहे हैं। अब तक मैं आपको 90 क्वेश्चन तक करा चुका था PQRS के। अब लोग हम बात करेंगे 90 से आगे की, यानी कि 91 से हम लोग आगे की बात छेड़ेंगे। जितने भी हो सकते हैं आज उतने कोशिश करेंगे करने की। ये आपका 91 से 100 तक SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 10/12/2006 में आपका एग्जाम पेपर है। कह रहा है कि अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। गाइज, ये कहावत पुरानी आपने भी सुनी होगी कि जल्दी उठना व्यक्ति को हस्त पुष्ट और स्वस्थ बनाता है। बट फॉर मॉर्निंग टी जी नहीं, दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली। गाइज, सेइंग का मतलब होता है कहावत। क्या होता है कहावत, यानी कि आप इसे प्रोवर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत क्यों से ही होगी, ये कन्फर्म है। क्यों दो में है, अब देखना है कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट रहेगा। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली। अब क्यों के बाद एस लगा देते हैं। वन डे आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों के बाद पी लगा देते हैं। बट फॉर द मॉर्निंग टी गाइस नहीं, पहले बात उठने की करेंगे तो क्यों के बाद एस ही आना चाहिए, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। अ वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री ऑन अ रिवर बैंक। एक लकड़ वाला या फिर लकड़हारा पेड़ काट रहा था नदी के किनारे। ही नेट डाउन एंड पेड। वह अपने घुटनों के बल झुका और उसने प्रार्थना की। गाइज, ये सब कहानी आपने बचपन में सुनी होंगी कि उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई थी, फिर एक अंदर से क्यों निकल कर गई, उसने 3 कुल्हाड़ियाँ दी। मतलब सब आपकी पढ़ी हुई कहानियाँ हैं, मैं इसको सुनाऊँ तो आप भी बोर ही हो जाएंगे और कुछ नहीं। His axe slipped and fell into the river. उसकी कुल्हाड़ी फिसली और जाकर नदी में गिर गई। God, Mercury appeared before him and asked about the matter. He could not get it back as the river was very deep. So guys, यहाँ सेंटेंस बनेगा आपका क्यों से, किससे बनेगा क्यों से, ये कन्फर्म है। क्यों के बाद आप एस लगाएंगे, उसके बाद गॉड आपके क्रिएट होंगे, यानी कि सेंटेंस का आंसर तब तक निकल चुका होगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। A dog stole up पीस ऑफ अ मीट फ्रॉम अ बचर्स शॉप। एक कुत्ते ने एक मीट का पीस चुराया एक बचर्स, मतलब बोलते किस्सा हो किसान का, सॉरी कसाई की दुकान से। सो यहाँ पे ही बार्ड इन एंगर, वह गुस्से में भोंक रहा था। ही रेन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट। उस पीस ऑफ मीट से लेकर के वो जंगल में भागा जा रहा था, बिल्कुल हो सकता है। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन जी नहीं। ही क्रॉस द रिवर ऑन द वे जी नहीं। सेंटेंस के बाद ये भी आपका क्या उसे ही होगा। ही रेन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट। उस पीस ऑफ मीट के साथ में वह जंगल में भागा जा रहा था। ही क्रॉस द रिवर ऑन द वे, रास्ते में उसने एक नदी क्रॉस करी। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन। अब मैं पूरा बनाऊँ ये कायदे की बात नहीं है, सेंटेंस का आंसर आपको मिल चुका है, बात खत्म। क्यू एस आर 93 का सेकेंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। रमल एंड समल वर टू पुअर यंग मैन। रमल और समल दो गरीब यंग मैन थे। ऑन मार्केट डे दे सोल्ड देयर लेबर। दे लिव नियर महेशपुर। ऑन अदर डेज दे वांटेड रेगुलर वर्क। सो गाइस, यहाँ पे 94 में भी शुरुआत होगी आपके क्यों से ही। वो महेशपुर रहते थे और क्यों से आपका सिर्फ एक ही सेंटेंस बन रहा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस का आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट। रोजर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। रोजर डॉक्टर बनना चाहता था। ही पुट अवे हिज मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस। दे कुड नॉट अफोर्ड द फीस। अनडंटेड ही गॉट हिमसेल्फ अ जॉब इन द बैकयार्ड। हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। देखिए ध्यान से बच्चों, वह डॉक्टर बनना चाहता था हालांकि वह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, यह कहना चाह रहा है। सेंटेंस की शुरुआत एस से होगी। एस आपका दो में है। अब एस के बाद आर या एस के बाद क्यू, अब आपको इसको देखना है। हाउएवर ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। He came from a poor family. अब S के बाद R. Undaunted, he got himself a job in the backyard. Dockyard, जी नहीं। आगे देखिए S के बाद Q. They could not afford the fees. Yes, S के बाद Q. गरीब था तो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल थर्ड करेक्ट। आगे देखिएगा I went to my friend last week. लास्ट वीक मैं अपने एक फ्रेंड के गया। He politely refused to oblige me. उसने बड़ी विनम्रता से मुझे oblige me मना कर दिया।
आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। एक्चुअली आई वॉन्टेड हिज स्कूटर फॉर अ डे, मैं उसका स्कूटर चाहता था एक दिन के लिए। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, बच्चों यहाँ पर शुरुआत होगी आई वॉन्टेड हिज स्कूटर फॉर अ डे, मैं उसका स्कूटर चाहता था एक दिन के लिए, यानी कि सेंटेंस शुरुआत होगी आर से और आर आपका सिर्फ एक में ही है। यस, दौड़ उठेगा खुशी से, बस झूम उठेगा पूरे अच्छे वाला। सेंटेंस का आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही वॉन्टेड टू अडॉप्ट हिज फादर्स प्रोफेशन, वह अपने पापा के प्रोफेशन में जाना चाहता है, यानी कि उसको ज्वाइन करना चाहता है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी इंडिया फ्री, वो बड़ा प्रभावित था ये देखने के, इंडिया को फ्री देखने के लिए। फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज अ चेंज्ड मैन, ही मेड अप हिज माइंड, ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। 97 सेंटेंस में आप भी अपने माइंड को बनाइए फटाफट से दुरुस्त और मजबूत। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे एस से, ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी। ही वॉन्टेड टू अडॉप्ट हिज फादर प्रोफेशन, ही केम इन कॉन्टैक्ट विद महात्मा गांधी, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सी इंडिया फ्री, बच्चों यहाँ पे भारत को वो आज़ाद होते हुए देखना चाहता था ये कहना चाह रहा है। उसके बाद में ही मेड अप हिज माइंड, फ्रॉम नाउ ऑन ही वॉज अ चेंज मैन, ए विज टू चेंज द मैन, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, बात खत्म। रीना मेड अ कप ऑफ टी इन दिस मैनर, कप ऑफ टी उसने बनाया। नेक्स्ट शी एडेड मिल्क एंड शुगर, एकदम सही। वैन द वॉटर वॉज बॉइलिंग शी टर्न्ड ऑफ द गैस, फर्स्ट शी पुट द वॉटर टू बॉइल, सबसे पहले उसने पानी डाला उबलने के लिए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी बच्चों आर से ही, आर से नहीं एस से, बाकी माफ चाहूँगा बच्चों एस से, एस आपका सिर्फ एक में ही है, वो है आपका फर्स्ट, इसका आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट, बात खत्म। वंस अपॉन ए टाइम दे वॉज अ लिटिल मैन, एक बार की बात है एक छोटा सा व्यक्ति था। सम पीपल कॉल्ड हिम रवि, कुछ लोग उसको रवि बोलते थे। ही वॉक्ड लाइक अ रैबिट, वो खरगोश की तरह चलता था। हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, दिस दैट इज वाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले पहला पार्ट ढूंढिए, पहला पार्ट आपका हो जाएगा आर। हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, दैट्स वाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी। आर के बाद एस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। शी वॉज एन ओल्ड वुमा विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट, वह एक बूढ़ी महिला थी, उसके पास एक बहुत बड़ा सा पर्स था जिसके अंदर सब कुछ था, यानी जो भी चीज़ होना चाहिए वो सब चाहिए। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, सी हैड कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, अ बॉय रेन अप बिहाइंड हर। गाइस सेंटेंस बहुत टुच्चा है, पहला पार्ट आपको मिल चुका है, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, यानी कि उसकी एक लंबी पट्टी थी पर्स की, यानी कि क्यों से बनेगा, क्यों सिर्फ एक में ही है, यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए संता बनता, यानी कि आपके ऑप्शन हो गया क्रैक। अब 101 से लेकर 110 तक, यानी कि अगले जो 10 सेंटेंस हैं वो SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम में आए हुए हैं 30/11/2008 को, यानी कि आज से 12 साल पहले। देयर वॉज अ लैम्प हैंगिंग ऑन द वेल वॉल, दीवार पर एक लैम्प लटका हुआ था। देन ही पिक्ड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, ही पुट द लैम्प इनसाइड हिज शर्ट, उसने लैम्प को अपने शर्ट में रख लिया। ही पुट देम इन हिज पॉकेट, कह रहा हूँ पॉकेट। अलादीन क्लाइम्ड अ लैडर एंड टुक डाउन द लैम्प, अलादीन लैडर पर चढ़ा और लैम्प को नीचे उतार लिया। यस बच्चों सेंटेंस की शुरुआत एस से होनी चाहिए थी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे बढ़िएगा ध्यान से क्या कह रहा है। 102 में गोपाल एंड शीला फेल्ट वेरी बोर्ड वन इवनिंग, गोपाल और शीला एक शाम बहुत बोर महसूस कर रहे थे। गोपाल वॉन्टेड टू स्टे ऑन हर द नेक्स्ट शो, सो दे डिसाइडेड टू गो टू द सिनेमा, तो उन्होंने सिनेमा जाने का डिसाइड किया। बिल्कुल बिल्कुल सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों आपका एक में ही है, यानी कि आपको इसका आंसर मिल चुका है थर्ड। फर्डिनांड रोज अप टू रिसीव द मैसेंजर, फर्डिनांड खड़ा हुआ मैसेंजर्स को मैसेज लेने के लिए। एट द एंड ऑफ हिज अकाउंट ही वॉज मूव टू टीयर, ही फेल ऑन हिज नीज एंड थैंक्ड हिम, वो अपने घुटनों पर झुका और उसको धन्यवाद दिया। ही मेड हिम सिट ऑन अ लेवल विद हिमसेल्फ, उसने उसको अपने बराबरी के स्थान में बिठाया। ही लिसन टू द सर्कमस्टेंशियल अकाउंट ऑफ हिज वॉयज, वॉयज मतलब यात्रा को बोलते हैं बच्चों, वॉयज मतलब यात्रा। यस गाइस तो यहाँ पे पहला सेंटेंस ढूंढना है, बहुत इजी सा काम है, बहुत हार्ड नहीं है। सेंटेंस की शुरुआत होगी बच्चों आर से, किससे होगी आर से, आर आपका दो में है, आर के बाद पी या फिर आर के बाद एस, बस अब तो आपको ये फैसला लेना है। ही
मेड हिम सेट ऑन अ लेवल विद हिमसेल्फ ही लिसन टू द सर्कमस्टेंशियल अकाउंट ऑफ हिज वॉयज, यानी कि आर के बाद एस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। इन ऑर्डर टू जज द इनसाइड ऑफ अदर स्टडी योर ओन, दूसरों को जज करने से पहले अपने बारे में कुछ स्टडी करो, ऐसा कहना चाह रहा है। एंड दो वन हैज वंस ट्रेवलिंग पर्सन फॉर मैन इन जनरल आर वेरी मच लाइक येट देयर ऑपरेशन आर वेरी मच द सेम एंड अनदर हैज अनदर। गाइज पहला पार्ट आपको मिल चुका है, सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से, क्यों है सिर्फ एक में, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। चलते हैं सेंटेंस नंबर 105 पे, कह रहा है कि पॉसिटी ऑफ फंड्स। अभी तक यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है, वर्ब नहीं आई है। आप पहले वर्ब ढूंढिएगा और वर्ब आपकी पी में नहीं है, क्यू में नहीं है, आर में नहीं है, सिर्फ एस में ही है, एस आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। द सिम्टम्स ऑफ, अभी तक भी सिर्फ सेंटेंस में सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई ही नहीं है, हालांकि ऑफ के बाद में प्लुरल नाउन भी आया करता है, उसको भी ध्यान रखना है आपको और वर्ब का भी ध्यान रखना है। द सिम्टम्स ऑफ व्हाट इज पॉपुलरिटी कॉल्ड एंड सर्टेन अदर चेंजेस तो आने से रहा, सीरियस फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, सरिटी इंक्लूड। तो गाइस 106 में द सिम्टम्स ऑफ व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत क्यों से मेरे में होनी चाहिए, यस क्यों से होनी चाहिए, पॉपुलरली कॉल्ड सरिटी, यानी कि सेंटेंस में क्यों के बाद एस, इस लिहाज से सेंटेंस का पहला ही आंसर हो जाना चाहिए करेक्ट। व्हेन दे हर्ड द बैल, जब उन्होंने बैल की आवाज सुनी यानी घंटे की आवाज सुनी, आउट ऑफ हिज क्लोज एज क्विकली एज पॉसिबल, ये कंफर्म है कि क्यों वाला सेंटेंस सबसे आखिरी में आएगा, क्यों वाला सेंटेंस सबसे आखिरी में आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है, तो बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी फोर्थ ही हो जाएगा करेक्ट। 30 years फ्रॉम नाउ, आज से 30 साल बाद, एंड इंडस्ट्री विल बी स्कार्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल दैट वाटर ऑफ ड्रिंकिंग फार्मिंग देन लिविंग माई फाइंड मे फाइंड। सो गाइज 108 में सबसे पहले पहला हिस्सा ढूंढिएगा, वह है आपका क्यों, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल क्यों के बाद एस पक्का आएगा, देन लिविंग मे फाइंड क्यों के बाद एस और एस के बाद आर, द वाटर फॉर ड्रिंकिंग फार्मिंग एंड इंडस्ट्री विल बी स्कार्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल के स्थिति देखते हुए थर्ड करेक्ट। यस 109 देखेगा, अ गुड क्राई कैन बी अ डैश bring relief from anxiety, prevent a headache or and it might even help the way to death। guys 109 sentence में यहाँ पे अगर मैं क्यों की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे और दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि जब भी sentence में आपको and but और दिखे तो पहले उसको solve कीजिएगा, और के बाद वाला part वही होगा जो और के पहले वाला part है, और के पहले का जो हिस्सा है ये prevent a headache यानी कि किसी दर्द से संबंधित है, और के बाद में दर्द आपका ना पी में है, ना आर में है, ना एस में है, सिर्फ और सिर्फ सिक्स में है, अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कन्फर्म है कि क्यों आखिरी में आएगा, क्यों आखिरी में दो के है वो आपका सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड से ये क्लियर होता है कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा और एस में आखिरी में टू है, एस में आखिरी में टू है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट टर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट टर्म एस के बाद पी में है, अरे लो भैया सेंटेंस हो गया करेक्ट, इसका हिस्सा हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 110 देखिएगा, लॉन्ग टाइम अगो काफ़ी लंबे समय पहले, गाइज यहाँ पे एक चीज़ तो आपको साफ साफ दिख रही होगी, वह है आपका पी में आपको दिखना चाहिए हु, मैंने आपको बताया जब भी आपको हु दिखे तो इससे पहले आपको कोई व्यक्ति यानी कि पर्सन वाला सेंटेंस दिखना चाहिए, जो कि क्यों के आखिरी में कोसला एक व्यक्ति का नाम ही है यहाँ पे, आर के आखिरी में नोबल किंग, एस के आखिरी में नहीं है, यानी कि इससे पहले क्यों भी आ सकता है, इससे पहले आर भी आ सकता है, यानी कि पी से पहले क्यू और पी से पहले आर दोनों ही आ सकते हैं, यानी कि क्यू पी और आर पी देखो कितनों में है, क्यू पी और आर पी कितनों में है, क्यू पी तो है लेकिन आर पी किसी में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। यस गाइस थर्ड इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे एकदम करेक्ट। सो गाइस
ये थे आपके आज के 20 सेंटेंस PQRS के, इतने ही मैं ही रोजाना कराता रहूँगा लगभग, सो ये फिनिश हो ही जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, अगर हम ना करें तो उससे अच्छा कि कुछ कर लें। 20 सेंटेंस इनफ है मेरी राय में, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आने वाले नेक्स्ट सेंटेंसेस के साथ में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को खूब अधिक मात्रा में शेयर और लाइक कर दिया करें, यस इससे क्योंकि वीडियो बनाने वाले का थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, फिर उसको लगता है कि मेरे को आपके लिए और भी वीडियोस बनानी है। ओके गाइस, अगर आप लोग यहाँ इस तरह से लाइक वगैरह नहीं करते हैं तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हौसला डाउन होता है, ये ध्यान रखें। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव ए नाइस डे।